शिव महापुराण के अंदर वेद व्यास जी ने वर्णन करा और यहाँ पर तुमरु का जीवी वर्णन कर रहे हैं। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे धर्म और संप्रदाय बनते चले जाएंगे, नए नए संप्रदाय उत्पन्न हो जाएंगे। कोई संत ने ये संप्रदाय बना दिया, कोई महाराज ने वो संप्रदाय बना दिया, कोई महाराज ने ये संप्रदाय बना दिया। कोई कहेगा केवल इनकी पूजन करो, कोई कहेगा मूर्ति पूजन बंद कर दो, कोई कहेगा मूर्ति पूजन करो, कोई कहेगा केवल अक्षर की पूजन करो, कोई कहेगा इसकी भी पूजन मत करो, कोई कहेगा उसकी पूजन करो। अरे इतनी संप्रदाय बन जाएंगे, इतना संप्रदाय बन जाएगा, बस समझने वाले को चाहिए कि हम भजन क्या करें। एक गांव के लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर एक मंदिर बनवाया, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर मंदिर बनवाया। अब मंदिर में गांव के लोगों ने विचार करा, पूरे गांव से चंदा लिया गया, गांव में एक ही मंदिर बना है, पूरा गांव एक ही जगह दर्शन करने जाए, ऐसी कौन सी मूर्ति बिठा दी जाए। किसी ने कहा राम जी को बिठा दो। राम जी को बिठाया तो जितने कृष्ण वाले थे, जितने शंकर वाले थे, जितनी भवानी वाले थे, जितने गुरु को पूजने वाले थे, वो कोई मंदिर नहीं जाए, केवल राम वाले जाए। गांव के लोगों ने सोचा, सरपंच ने सोचा, गांव के पटेल ने सोचा, गांव के अध्यक्ष ने सोचा, हमारा तो गांव टूट गया, एक काम करो राम जी को ठंडा करो। राम जी को विसर्जन करा, कृष्ण को बिठाया, कन्हैया को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जावे। अब कन्हैया को ठंडा करा, शंकर जी को बिठाया तो केवल शिव वाला जावे। फिर शंकर जी को ठंडा करा, देवी जी को बिठाया, केवल देवी वाला जावे। फिर देवी जी को विसर्जन करा, गणेश जी को बिठाया, केवल गणेश वाला जावे। आखिर करे तो करे क्या, पूरा गांव एक मंदिर में जाकर बैठे, पूरा नगर एक मंदिर में जाए और एक ही देवता का भजन करे, ऐसी कौन सी मूर्ति बिठाई जाए। गांव के मंदिर में ताला लगा दिया खाली कर और गांव के लोगों ने सोचा कोई संत आएगा, उससे पूछेंगे कि मूर्ति किसकी बिठाई जाए। समय आया, गांव में एक संत आए, संत के चरणों में गिर गए, गुरुदेव हमने मंदिर बनवाया, सात जात का आदमी मिलकर, पूरा गांव मिलकर एक मंदिर का निर्माण करा और मंदिर का निर्माण करा, राम जी बिठाए, कृष्ण जी बिठाए, पर हमारा गाँव टूटता गया। अब हमें बताओ कि पूरा गाँव जुड़कर चले और एक ही मंदिर में बैठ कर लोग भगवान का भजन करें, ऐसा कौन सा देवता हम ले आकर बिठा दें। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़वा दो, होटल बनवा दो, सात जात का आदमी एक होटल में बैठना पसंद करेगा पर एक जाजम पर बैठकर भजन करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज लोगों ने, आज संतों ने, आज कुछ लोगों ने अपने अपने संप्रदाय को बनाकर, अपने अपने धर्म को बनाकर एक मुख्य धर्म को, हिंदू धर्म को तोड़ा गया। ये एक ना हो, अगर ये एक हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं आप सबको मालूम है। तोड़ दो, अलग अलग संप्रदाय बना दिए, अलग अलग धर्म, अलग अलग अनुयायी बन गए, अलग अलग तरह से लोग पूछने लगे और मालूम पड़े देवताओं को छोड़ते गए। इसको मत पकड़ो, वो देवता का प्रसाद मत लो, वो देवता के मंदिर मत जाओ, उस गुरु के पास मत जाओ, उस चेले के पास मत जाओ। निवेदन है, शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कह रही है, पक्का दृढ़ी, पक्का विश्वासी वो होता है जो किसी के भी मंदिर में चला जाए, किसी देवता को भी नमन कर दे, उसके भीतर जिसकी मूर्ति समाई है हर मूर्ति में वही नजर आएगा, हर मूर्त में वही दिखेगा। तुलसीदास जी जब मथुरा वृंदावन गए, तुलसी बाबा जब गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने, दर्शन करने गए, तो तुलसीदास जी ने कह दिया एक शर्त पर मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करूंगा, अगर ये हाथ में क्या ले, धनुष बाण। सूरदास जी ने कन्हैया से कहा ठाकुर आप तो भगवान हो, भगत दृढ़ी हो सकता है पर भगवान थोड़ी नहीं, बदल लो। मेरे ठाकुर ने उस दिन हाथ में धनुष और बाण ले लिया। तुलसीदास जी प्रणाम कर बोले बारे नाथ वाह, कभी राम बनकर आ जाता है, कभी कृष्ण बनकर आ जाता है और हमारी दृष्टि में दोष हो जाता है कि मैं राम वाला, मैं कृष्ण वाला, मैं शिव वाला, मैं भवानी वाला, मैं इस संप्रदाय का, मैं उस संप्रदाय का, दोष हमें। इसलिए कहते हैं कि लोग पूछते हैं सत्संग क्यों जाना चाहिए, हम कहते हैं जाइए, सत्संग जाने से आंखों का इलाज हो जाता है। सत्संग
सत्संग में पहुंचने से हमारे नेत्रों का जो विकार है, हमारे नेत्रों का जो कुछ ना कुछ जो पर्दा है, हमारे नेत्रों में जो जाली है, हमारे नेत्रों में जो काम लोभ विषय वासना का जाल लगा हुआ है वो हट जाए। भगवान शिव का एक अवतार श्री हनुमान जी हैं और भगवान शंकर का एक अवतार आगे वर्णित करा। जब माता अनसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता जब आए, कथा सुनिए ना भगवान जी, ब्रह्मा विष्णु और दरवाजे पर आकर अलख जगा पत्नियों के कहने पर। भगवान शंकर ने पार्वती को मना कर दिया था, मैं अनसुईया की परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, नहीं जाना पड़ेगा। नारायण ने मना कर दिया, जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, जाना पड़ेगा। गए तीनों दिन। होता है घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है, जम के बोलो गाय। आखिरी रोटी किसकी बनती है, कुत्ता की। ठीक है, आज भी रोटी वही बन रही है। बस पति को ऑफिस जाना था, दुकान जाना था, खेत जाना था, खलियान जाना था, सर्विस पर जाना था, उसने कहा जल्दी रोटी दे। पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई, पति को खिलाई, गाय के हिस्से की रोटी उसने खा ली, बेचारा गऊ जैसा हो गया। पत्नी के जाओ बाजार से ये ले आओ, मुंह से आवाज नहीं निकले चले जाए। कई कई माताएं कहती है मेरा पति, मेरा बेटा शादी के पहले कितना गुस्सा करता था, शादी के बाद इसका गुस्सा गया कहां, पत्नी का कहने में चलने लगा, अब उसको कौन समझाए कि गौ माता के हिस्से की खवा दी, तो गौ जैसा हो गया, गाय जैसा निर्मल हो गया। बस हमेशा तत्परता बनी रहती है, हमेशा तत्परता में। और आखिरी रोटी किसकी है, आखिरी रोटी कुत्ता की है। और जब घर के लोग सब भोजन कर कर उठते हैं, तब घर की माताएं आखिरी में जीवने बैठती हैं। अब वो सोचती हैं आखिरी में रोटी कम पड़ गई, डबल से कौन बनाए, तो कुत्ता के हिस्से की खा जाती हैं, इसलिए दिन भर भोगती हैं। अब कोई समझने वाला तो समझ पाता नहीं है कि माताएं आपस में क्यों झगड़ती। वही सास बहू को लेके आई इतनी रकम देकर, रकम चढ़ाई, कपड़े चढ़ाए, इतना सारा सामान देने के बाद बहू को लाई, कितने अरमान से लाई, पर समझ में नहीं आता आखिर सास बहू का झगड़ा क्यों होता है, क्यों होता है। आखिर देवरानी जेठानी का आपस में कोई लेन देन नहीं है, ना जेठानी का हिस्सा देवरानी ले रही है, ना देवरानी का हिस्सा जेठानी ले रही है, ना ननंद से कोई लेन देन है। इसके बाद भी घर में जितनी माताएं रहती है उनमें क्लेश क्यों होता है, उसका केवल एक कारण है, एक ही कारण है कि आखिरी की जो रोटी है वो कुत्ता के हिस्से की है, और कुत्ता के हिस्से की रोटी कहीं हमारे खाने में आ जाती है, इसलिए घर में दिन भर भोखने में निकल जाता, पूरा घर दिन भर क्लेश में निकल जाता। शिव चरित्र का तीनों देवताओं ने कहा हम नहीं जाएंगे, समझाया, गए मानसुईया से भिक्षा मांगी, समय आया, भगवान का एक अवतार हो गया। शिव से दुर्वासा बाबा का प्रागट्य, किससे, शिव से नारायण से दत्त का प्रागट्य। अब शिव से जो दुर्वासा ऋषि प्रगटे हैं ये किसका स्वरूप है, शंकर का ही स्वरूप। दो परीक्षा बहुत भारी ली है दुर्वासा ऋषि ने, राम को भी नहीं छोड़ा और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। मेरे शंकर नहीं छोड़े, ना राम जी को छोड़ा ना कृष्ण को छोड़ा, मेरे शंकर ने परीक्षा लेने में
और दुर्वासा ऋषि के रूप में जब भगवान राम की परीक्षा लेने गए, आप सबने श्रवण करा होगा शास्त्रों में कथाओं में कि जब मेरे दुर्वासा ऋषि राम जी के पास पहुंचे और राम से कहा, राम तुम्हारा राज्यपाट स्थापित हो चुका है, समय बीत चुका है, माता सीता वन में निवास कर रही हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, पर अपन दोनों की बात को जो सुन लेगा उसका तुम्हें अवश्य त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए बेटा। दुर्वासा ऋषि और राम के शब्द को लक्ष्मण जी आ जाते हैं और सुन, और लक्ष्मण जी आए, फिर लक्ष्मण जी का त्याग करने की बात दुर्वासा बाबा को कहे, त्याग करिए। कर दो त्याग, इस लक्ष्मण का त्याग करना पड़ेगा। भगवान राम की आंखों में अश्रु भर गए, पर दुर्वासा बाबा जो परीक्षा ले रहे हैं, मेरा शिव जो परीक्षा ले रहा है, तो त्याग करना पड़ा। और दूसरी परीक्षा भगवान कृष्ण की यहाँ जाकर भगवान शंकर ने ली, दुर्वासा ऋषि के रूप में द्वारकापुरी में पहुंचकर भगवान जाकर कहते हैं, दुर्वासा ऋषि कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान बना लो, कोई मुझे मेहमान रख लो। अब पूरी द्वारका के लोगों को मालूम है इसको गुस्सा बहुत आता है। अब जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उस व्यक्ति को कोई घर में मेहमान बनाएगा? अरे बोलो तो, तुम्हारे घर में भी जो बुआ, जो चाची, जो काकी, जो जो भी रिश्तेदार होगा जिसको बहुत गुस्सा आता हो, तो सबसे आखिरी में शादी की पत्रिका उसी को डाली जाती है। क्यों? पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो हो रही है अच्छा। क्यों? क्रोध इतना करती है ना, बुला कर करेंगे क्या? इतना क्रोध उसके भीतर भरा होता है कि उसको बुलाएंगे तो क्रोध करेगी, उसको बुलाएंगे झगड़ा करेगी, तो एक काम करो आखिरी में बुला। और जिसमें बहुत नम्रता होती है, जिसमें बहुत मिठास होती है, जिसमें बहुत सहजता होती है, ईमानदारी से बोलो उसको चार दिन पहले बुला ले, जी जी आना, हो कब आ रही थी? इतनी तारीख को। नहीं नहीं नहीं, तीन दिन पहले जा, माता पूजन इतनी तारीख की, तो दो दिन पहले जा, मेहंदी मेहंदी मंडवा लेना, मंडप का सारा तक काम तुझे करना। जिसमें मिठास है, जिसमें प्रेम है, जिसमें वात्सल्यता है, जिसमें असने है, उसको प्रथमता में। दुर्वासा ऋषि ने जाकर कहा, मुझे कोई मेहमान रख लो। भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया, मेरे द्वारका नाथ द्वारका से बाहर निकले, कृष्ण महल से बाहर निकले, आकर बोले, चलो नाथ आप मेरे यहां मेहमानी कर लो। दुर्वासा ऋषि बोले, तू मुझे जानता है कि नहीं जानता है? कृष्ण बोले, अच्छी तरह से जानता हूं। क्या जानता है? बस इतना जानता हूं कि आप दुर्वासा ऋषि हो और मैं आपके चरणों का दास हूं, और कुछ नहीं जानता। इतने में कृष्ण बोले, जानता तो बहुत कुछ हूं, पर अंदर की बात बाहर बोलूं अच्छी बात थोड़ी ना है, भोलेनाथ समझो तो जरा। भगवान शंकर बोले, जब सब जानता है, सब जानता है, ठीक है। कृष्ण सोच ले मुझे मेहमान रखने से पहले, कन्हैया कहने लगे तो क्या दिक्कत है, आओ तो सही, चलो। भगवान कृष्ण से कहा, मुझे नए महल में रहना है, नई कुटिया बनवा, नई कुटिया बनवाई मेरे कन्हैया ने, खड़े रहकर नई कुटिया। और कृष्ण ने नई कुटिया बनाई, दुर्वासा ऋषि उसमें रह रहे। दो दिन बाद, कभी तो दुर्वासा ऋषि को मालपुआ खाने को चाहिए, कभी रबड़ी खाने को चाहिए, कभी रसगुल्ला खाने को चाहिए, कभी पूड़ी खाने को चाहिए, कुछ ना कुछ दुर्वासा ऋषि मांग रख देते परीक्षा लेने के लिए, मात्र परीक्षा के। आज दुर्वासा ऋषि ने कहा, क्या करूं, ये तो परीक्षा में पास होते चले जा रहा है, अब विशेष परीक्षा ली। कुटिया से मेरे दुर्वासा बाबा बाहर हो गए, मेरे शिव बाहर, और कुटिया में लगा दी आग, और आग लगा के बाहर खड़े, और आग लगा के जैसे ही बाहर खड़े थे, इतनी देर में पूरे नगर के लोग अग्नि को बुझा रहे, पानी डाल रहे, अग्नि बुझा रहे, पानी डाल रहे, भगवान कृष्ण, अरे हुआ क्या, ये आग लगी कैसे? इतने में पीछे से दुर्वासा ऋषि आकर बोले, मैंने लगाई, मैं तो मेहमान, आग भी लगा सकता हूं।
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब बोल। भगवान कृष्ण को तो गुस्सा तो आया, पर कन्हैया ने कहा यो डोकरा कम नहीं है, बाबा कम नहीं पड़ रहा, परीक्षा ले रहा है बाबा। कन्हैया मुस्कुराकर ठीक है आपने आग लगाई, हम बुझा देते हैं। अब आग बुझाने वाले बुझा रहे, इतने में दुर्वासा ऋषि बोल रहे मेरे को तो खीर खाना है चावल की, कुटिया जल रही है और खाने की याद आ रही है खीर, मुझे खीर ला कर दो। भगवान ने कहा जल्दी जाओ रुक्मणी, दौड़ कर जा। रुक्मणी को भगवान पहले से बोल के रखते थे कुछ भी बना ले, 16,108 रानियां हैं, मेज का भोजन नहीं बनना चाहिए। मेज का समझ गए ना, मतलब एक अगर रुक्मणी जो भोजन बना रही है वो सतभामा नहीं बनाएगी, और सबके घर में 56 भोग बनना चाहिए रोज का, रोज का 56 भोग किसके लिए, अरे बोलो तो दुर्वासा ऋषि के लिए। और मेच नहीं करना चाहिए, अगर इसने पूरी बनाई तो तू रोटी बना, वो रोटी बनाए तो तू मिस्सी रोटी बना, वो मिस्सी रोटी बनाए तो तू पराठा बना, तू पराठा बनाए तो वो नमकीन पूरी बना, वो नमकीन पूरी बनाए तो तू बाटी बना, वो बाटी बनाए तो तू बाफला बना, वो बाफला बनाए तो तू टिक्कड़ बना, वो टिक्कड़ बनाए तो तू ढोकला बना। 16,108 रन अलग अलग भोजन बना के रखती, क्यों कभी भी कुछ भी मांग सकता बाबा, बाबा है कुछ भी मांग और मांग लिया, मुझे चावल की खीर खाना। अब चावल की खीर किसकी यहाँ बनी, पहले तो तुरंत ऊपर द्वारका के शिखर पे चढ़ाकर माँ से नगाड़ा बजाकर बोला जाता था कौन सी महारानी के घर में, क्योंकि सबके यहाँ खीर बनती थी पर अलग अलग बनती थी, किसी के यहाँ सेवैया की, किसी के यहाँ साबूदाना की, किसी के यहाँ भगर की, किसी के यहाँ मोर धान की, सबके यहाँ अलग अलग खीर में। आवाज लगाई चावल की खीर किसकी यहाँ बनी है, इतने में सतभामा दौड़ गई मेरे पास जल्दी रहो, और खीर लेके रुक्मणी जी भागी, और भागते से ले जाकर तुरंत भगवान को दिया, और भगवान ने दुर्वासा बाबा को दिया, और दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई आधी, और आधी खीर खा के कन्हैया पे पूरी फेंक दी, पूरी खीर कन्हैया पे, और कहा हे कृष्णा पूरे शरीर पे लगा। कन्हैया कुछ नहीं बोले, पीछे से रुक्मणी जी बोली लगा लो चंदन है लगा, और पूरे शरीर पर जब खीर लगाई, खीर लगाने के बाद रुक्मणी को हंसी आई, और क्या हंसी अपने पति पर कि और लाओ ऐसा मेहमान और लाओ, जो हंसी दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, क्रोध आना था कृष्ण को कि कृष्ण पर हंसी थी, पर क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को, और दुर्वासा ऋषि कौन शिव, और शिव को क्रोध क्यों आया क्योंकि मेरे इष्ट पर हंस रही, क्रोध आ गया मेरे भगवान को, और क्रोध में आकर भगवान दुर्वासा ऋषि बोले आज पूरी द्वारका घूमने जाऊंगा, पर पैदल नहीं जाऊंगा, रथ में बैठकर जाऊंगा, और रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, रथ में रुक्मणी जी रथ खींच कर लेकर जाएगी, घोड़े के जगह पर रुक्मणी जी लगे और रथ खींच कर लेकर चले। लाओ रथ बुलवाया, घोड़े की जगह पर रुक्मणी जी को लगाया, रुक्मणी रथ लेकर चली है क्योंकि इसने मेरी हंसी उड़ाई है, चली हाथ में कोड़ा दुर्वासा ऋषि ने पहली बार हाथ में लिया, रुक्मणी खींच रही है रथ, पीछे मेरे द्वार का नाच चल रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद रुक्मणी बेहोश हो गई, बेहोश हुई, भगवान दुर्वासा ऋषि ने पानी का छींटा दिया, रुक्मणी उठी। कृष्ण मैंने तेरे पूरे शरीर पर खीर मलने का बोला था ना तेरे, कृष्ण बोले प्रभु मली तो पूरे शरीर पर खीर लगाई है, पांव के तलवे में क्यों नहीं लगाई, भगवान आपकी खाई हुई प्रसादी है और प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लगाता, इसलिए नहीं लगाई। कृष्ण मैंने तो तुझको कवच दिया था तेरे प्राण ना छूटे उसके लिए, जा अब तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से ही छूटेंगे, पांव
शिव कवच प्रदान करने वाला है। मेरा ओघणी मेरा शंकर, अपन कहते हैं अगर कोई बीमार पड़ गया तो मृत्युंजय जाप करिए, महामृत्युंजय के अनुष्ठान करवाइए, अगर किसी को कष्ट हो गया तो शंकर की आराधना करो, अगर वास्तु पूजन करना है तो शिव की आराधना करो, अगर गृह प्रवेश करना है तो शंकर की आराधना करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव मृत्यु को भी जीतने वाला है। इसलिए तो भगवान शंकर दुर्वासा का रूप रखकर भगवान कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि मैंने तुझे जो खीर दी थी अगर पूरे शरीर पर लगा लेता तो तेरे को मरता नहीं, प्राण छूटते नहीं, कौलोक को वापस जाता नहीं। पर तूने लगाया कहां? खीर लगाई। और सुन कृष्ण, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है और मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया ले जाकर, इसलिए इस रुक्मणी का तुझे द्वारका से त्याग करना पड़ेगा। द्वारकाधीश गए हो? कौन कौन गया हाथ उठाओ जरा। द्वारकाधीश गए हो? वाह। द्वारकाधीश अगर गए हो तो द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी जी का मंदिर आज भी कोसों दूर है। द्वारकापुरी के अंदर द्वारकाधीश के मंदिर के भीतर रुक्मणी जी का मंदिर नहीं है, बहुत दूर रुक्मणी जी का मंदिर है। कोसों इसको बाहर निकाल दे। और अगर नहीं भी दर्शन करे हो तो 27 दिसंबर से कथा है द्वारका में, श्रीमद् भागवत सुबोधनी। आप लोग भी सुनिएगा, पधारिए। द्वारका पुरी में होगी, 27 दिसंबर से चालू है, हैदराबाद के महेश्वरी समाज करा रहा है। तो द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी जी का मंदिर कोसों दूर है, मात्र हंस दी है, और वो भी भगवान शिव के इष्ट पर हंस दी। हमेशा याद रखो, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई दान करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला, अरे हर तरह के संत होते हैं जी, हर तरह के जोगी, हर तरह के सन्यासी, हर तरह के तपस्वी, हर तरह के साधक, हर तरह के उपासक, ना जाने कितने कितने तरह के होते हैं। कौन किस भाव में बैठकर तप कर रहा है, कौन किस भाव में बैठकर भजन कर रहा है, कौन किस भाव में बैठकर स्मरण कर रहा है, जरा विचार करिए। सनकादि ऋषि मात्र बैठकर तप कर रहे थे और पितरों की कन्याओं के चलते समय उनके शरीर का लहंगा लग गया था, तो सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। केवल लहंगा लगा, इसलिए शास्त्र कहता है कथा सुनने अगर कोई बैठा हुआ है, प्रवचन सुनने बैठा है, कोई सत्संग सुनने बैठा है, कोई नाम जाप करने बैठा है, कोई स्मरण करने बैठा है, अगर हम निकल कर भी जा रहे हैं तो दूसरे को कष्ट देकर ना जाए, किसी को हमारा कपड़ा ना लगे, किसी को हमारा पांव ना लगे। क्यों? इतने सारे श्रोताओं में ना जाने कौन कौन से देवी देवता आकर बैठ कर कथा का रसपान करते हैं, ना जाने कौन कौन कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए हम चलते समय भी हमारा पांव किसी को ना लगे, चलते समय भी हमारा कपड़ा किसी को ना लगे, चलते समय भी हमारा वस्त्र किसी को ना लगे, किसी को व्यवधान ना। क्यों? हमारे विनोद भाई के छोटे भाई यहां बैठते हैं और कोई फूल पत्ती चढ़ाने आता है तो यहां से मना कर देते हैं, भैया बाद में चढ़ा लो, शुरू में आओ या आखिर में आओ, बीच में क्यों नहीं। इतने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ना जाने कौन किस डोर को बांध कर, किस लगन को बांध कर, किस तरह से कथा में बैठा हुआ है और उसका ध्यान कहाँ है, और इतनी देर में आपका आगमन हुआ, उसका ध्यान, उसकी साधना, उसका तप, उसकी आराधना टूट गई। आपको लगता होगा कि क्यों मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, क्यों कहा? साधना की लीनता। कहीं एकांत में बैठकर भजन करो, स्मरण नाम जाप करते रहो,
शिव आराधना में दुर्वासा ऋषि ने बारंबार कृष्ण की परीक्षा ली है। कृष्ण, फिर आप सबको मालूम है भगवान कृष्ण के प्राण काय से छूटे, कहां से गए? पांव के। कोई स्थान नहीं दूसरा। शंकर ने तो अमरता प्रदान कर दी थी, मेरे शिव दुर्वासा बनकर आए और उन्होंने अमरता दे दी कि हाँ नहीं मरेगा, प्राण नहीं छूटेंगे, जा। पर गलती हम में है कि हम पांव का तलवा छोड़। भगवान तो देने को तैयार बैठा, तुम मांगो जो दे, पर निवेदन है वो देने को तैयार बैठा है, पर लेने की पात्रता क्या हमारी है? वो तो दे देगा, बैठा ही इसलिए कि तुम आओ और जो मांगो मैं दूंगा, दूंगा जो मांगोगे दूंगा, पर पात्रवान होना चाहिए। शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, उसी तरह भगवान की कृपा पाने के लिए भक्ति का पात्र चाहिए। भक्ति का पात्र होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं। एक आप लोग कीर्तन में गाते हो, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। शबरी की तरह तुम कहा कि? कब आए थे राम सबरी के दरवाजे पर? सबरी रोज बेर तोड़ के लाई तब राम आए थे क्या? अरे बोलो तो। सबरी रोज रंगोली डाली तब राम आए थे क्या? अरे बोलो। सबरी ने रोज सेज बिछाई राम आए नहीं। सबरी रोज माला सिद्ध कर कर रखी राम आए नहीं। सबरी जब बीमार पड़ गई, थोड़ा शरीर में कष्ट था, आज बेर तोड़कर नहीं लाई है, आज दरवाजे पर रंगोली नहीं डाली है, आज सेज नहीं बिछाई है, आज माला सिद्ध नहीं करी है, घर में फैलारा पड़ा हुआ है, तब शबरी के दरवाजे पर राम का आगमन हुआ है, यही हमारा चरित्र कह रहा है। ये शबरी का चरित्र नहीं, हमारा चरित्र है। शबरी के घर में रोज सेज बिछी राम नहीं आए, रोज रंगोली डाली राम नहीं आए, रोज गुआरी लगाई राम नहीं आए, रोज जल भर कर रखा राम नहीं आए, शबरी के घर में फैलारा फैला राम आए। हमारी घर की रीत भी यही है, तुम रोज घर की सफाई कर कर रखो, कोई नहीं आएगा, जिस दिन तुम्हारे यहाँ फैलारा फैला रहेगा उस दिन कोई ना कोई जरूर, उसी दिन आए। हमने सोचा अब सब काम निपट गया, अब दिवाली का समय आया है, बस कल से मैं थोड़ा सा फैलारा निकाल लूं, काम कर लूं। रोज इतने दिन से सफाई करके रखी, पूरा घर तैयार था, कोई नहीं आया, और जो थोड़ा सा घर में से फैलारा है उतारा, और कचरा इधर उधर, सोफा इधर, पलंग उधर, बेडशीट उधर, कवर उधर, सारा अस्त व्यस्त, और उसी दिन आया बीआईजी मस्त, उसी दिन आया। बस यही भगवान के आने का समय है। भगवान भी देखता है तेरे भीतर कितना काम समाया है, कितना लोभ है, कितना विषय है, कितनी वासना है, कितना अहंकार है, और इतना सब कुछ होने के बाद अगर शबरी जैसी, भले शबरी बीमार पड़ गई, भले फैलारा पड़ा रहा, भले सामान पड़ा रहा, पर शबरी का एक नियम था, पलंग पर अगर बैठती भी थी तो दरवाजे पर दृष्टि रहती थी। कब आएंगे? पड़ा रहने दो फैलारा, भाई काम लोभ विषय वासना अहंकार तृष्णा बहुत है, पड़ी रहने दो। पर आपसे निवेदन है, आपके मन का भाव, आपकी वाणी, आपकी दृष्टि परमात्मा के चरणारविंद की ओर होना चाहिए। कब?
कब पहुंचे। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बा राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सब बोलो शबरी देखे बा राम मेरे आ जाओ। ओ पंपा जी के घाट घाट पे शबरी देखे बा राम मेरे आ पंपा जी के घाट घाट पे सबरी दे। सब बोलिए प्रेम से बोलिए राम मेरे आ जाओ। आओ से आनंदित होकर दोनों हाथों से अपने राम को कहाँ में बिठाऊं। 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 रे टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बा राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी लेके बा राम मेरे आ जाओ। दोनों हाथों से प्रेम से जो हो। और आज की बात, कल से कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ।
अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। रे गंगा जी का जल जल में पड़ा है तुलसी दल, राम मेरे आ जाओ। गंगा जी का जल जल में पड़ा है तुलसी दल, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट पे शबरी देखे बार, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार, राम मेरे आ जाओ। राम लला मेरे राम लला, 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 चित्रकूट पर बैठ कर पंपा के तट पर बैठ कर शबरी राम की बाट जोती है, ऐसी हमारा भी बस एक लक्ष्य हो, हमें शिव कब मिले कैसे मिले, जो दुनिया के दुख हरने वाला है उसका दीदार उसका दर्शन कैसे हो। बस नारायण जैसी दृष्टि हो जाए कि कंकर में भी शंकर हो। हरे कंकर में भी शंकर नजर आने लगे, भाव प्रबल हो गया। समय आया, महाराज दनु के दो पुत्र थे, एक का नाम था रम, दूसरे का नाम था कर। क्या नाम है? रमबोर। रंब और करंब के घर में संतान नहीं थी। दोनों ने विचार करा, अपनी औलाद नहीं संतान नहीं, क्या करें? तप करने चले। कितना कितना पहले के समय में कितना क्या लोग, थोड़ा सा कष्ट आता था तो कहीं दूसरे के पास नहीं जाते थे, कहीं इधर उधर भटकते नहीं थे, हैं अपने जैसे नहीं थे, 25 जगह माथा ठोकिया। पहले के लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट आता था बस कहां चलो, तप करने चलो, भजन करने चलो, पुण्य करने चलो। क्यों? क्यों? उसी तरह जैसे एक इन्वर्टर की बैटरी होती है, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो पंखा लाइट सब जल जाता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सबसे पहले पंखा बंद होता है, फिर बड़ी बड़ी लाइटें बंद होती है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी, फिर क्या करोगे बैटरी को वापिस चार्ज कर। हो सकता है हमारा पुण्य कम हो गया हो, हमारा पुण्य समाप्त हो गया हो, चलो वापिस तप करने चलो, पुण्य इकट्ठा करेंगे, हो सकता है संतान हो जाए, पुण्य इकट्ठा करेंगे, हो सकता है हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। पर संसार में नहीं पड़े। रोटी बनाते हो? अरे बोलो तो, फिर आज तो बनाई नहीं होगी। रोटी बनाते हो ना सब लोग? रोटी बनाने के लिए आटा उसना, ठीक है, बेटे के लिए अलग आटा उसना होगी क्या? पति के लिए अलग आटा उसना होगी, ससुर के लिए अलग उसना होगी, आटा सबके लिए एक ही उसना, ठीक है, आटा उसन के क्या करा, लोई बनाई,
लोई बना के उसको दबाया, दबा के चकोटी पे रखा और बेल दिया। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? हैं? सही है। इसमें एक गलती है, पलेथन नहीं लगाया है। रोटी तुम बनाते हो याद हमको है, बात कुछ नहीं है, आज खाना नहीं है तो बताना भी नहीं है। आज करवा चौथ है ना, आज खाना भी नहीं है तो बताना भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मत बताइए।